हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पडन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम भोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो। तो वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पटकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन जो और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचिया भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा वी फॉर यू पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी, जो इनके समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड डिस्कोर ने साउंडटक डेवेज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई, जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है, जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है, बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता, जो एक तेजा को 3 राज्य नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पूर्व गोदावरी जिले के
गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ, उनकी माँ जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के तीन बेटों में सबसे बड़े हैं, जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं, जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया, जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में, भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है, जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं, जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे, जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था, जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए, जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटो कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गाड़ियान को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिले और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुवाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईयंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी
पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया, जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था, जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियाम रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया, जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी, मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था, जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी, जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए, जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया, जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं और रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई, जो प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रीनो द्वारा उनका तीसरा सहयोग रवि तेजा ने 3 फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया, जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं ब्लॉग द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी, मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया, जो इन दृश्यों को रवि तेजा के 4 फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था, जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया, जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देश
प्रशासन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रात है, जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया। और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई जो अभिनय करते हैं और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी, जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते हैं और रेडी किस द्वारा रवि तोजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है, जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया, जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम्भ शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे, जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया। और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच चेंदी द्वारा नीला टिकट में, अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए, जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था, जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना मेनी द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छायाकान के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानस मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध, जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपिक कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी, जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को
बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ ला कर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था, इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी, जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म, जो कार्तिक व पड्डन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम भोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर जरूर से जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पाठ कथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन और इसका उत्पादन TV विश्व प्रसाद और विवेक कुचगा भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी, जो इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडट्रैक डेविज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई, जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है, जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है, बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता, जो एक तेजा को 3 राज नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का
जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ, उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के तीन बेटों में सबसे बड़े हैं, जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं, जो अपने पिता के साथ काम करते हैं, और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया, जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में, भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है, जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं, जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे, जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था, जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए, जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटों कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गार्डियन को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं, और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे, जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिली और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुगाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई, जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं, जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही, जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईयंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही, जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी
पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया, जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया था। तेजा अम्मा को लाया गया था, जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियान रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया, जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भी मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथांकों के साथ बताया गया था, जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी, जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए, जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया, जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनीज द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई, जो प्रदर्शन को साबित कर दिया। विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलसी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रेणु द्वारा उनका तीसरा सहयोग। रवि तेजा ने 3 फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया, जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं ब्लॉग द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया, जो इन दृश्यों को रवि तेजा के 4 फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था, जो बाद में राम गोपाल वर्मा को
डोगुआल मुथा ने अभिनय किया, जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई। और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती है, जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया। और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई, जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी, जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी किस द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है, जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया, जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के KS रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे, जो इनके बारे में बताया गया। और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया। और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच हिंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी, जो 2020 में जारी कर दिया गया था। और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए, जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद KS रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था, जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना में द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छाया कान के डॉक्यूमेंट्रिक द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्योनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानसी मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध, जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपी कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी, जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा
इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ ला कर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में। जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पड्डन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम बोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो। तो वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पाटकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है। जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचिया भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी जो इनके समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी जो बैलग्राउंड स्कोर ने साउंडटक डेवेज द्वारा तैयार किया गया जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर
रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले। वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता जो एक तेजा को 3 राज्य नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ, उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटो कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गाड़ियान को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिला और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुवाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका की फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली
अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार यह ब्लॉकबस्टर हिट रही जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया। इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया। जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियाम रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था जो चाटी के निर्दर्शन में शोभनाश द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई जो प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था जो खतरनाक रूप से दुबई श्रीनो द्वारा उनका तीसरा सहयोग रवि तेजा ने 3 फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं ब्लॉग द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को
काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया। जो इन दृश्यों को रवि तेजा के 4 फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था, जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया, जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रात, जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ 4 फिल्में एयर द्वारा देखी गई, जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी, जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी 5वीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी किस द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है, जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया, जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम्भ शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के KS रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे, जो इनके बारे में बताया गया और 1 साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने 3 फिल्मों को टच चेंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी, जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए, जो वर्ष में 3रा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद KS रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था, जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना मेनी द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छायाकान के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानस मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध, जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपिक कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग
राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनिन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया, और नवदितिया के बारे में देखी गई थी, जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ ला कर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी, जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म, जो कार्तिक व पड्डन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम बोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पाठकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन और इसका उत्पादन TV विश्व प्रसाद और विवेक कुचगा भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी, जो इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पांस के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडट्रैक डेवेज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार स्पोर्ट के कारण
और वो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है। जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले। वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता जो एक तेजा को 3 राज नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ, उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं। जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए। जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियान चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटों कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गार्डियन को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिले और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुवाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी
कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही, जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने यंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही, जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया। जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था, जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियान रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदायन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया, जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था, जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी, जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए, जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया, जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई जो प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रेणु द्वारा उनका तीसरा सहयोग रवि तेजा ने 3 फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दिया
दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलोंस द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया, जो इन दृश्यों को रवि तेजा के चार फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था, जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया, जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती, जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूज के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई, जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी, जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी किस द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है, जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया, जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे, जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच हिंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी, जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए, जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था, जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना में द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छाया कान के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्योनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानसी मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई राष्ट्रीयों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध, जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में
जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपी कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनिन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी, जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ ला कर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पडन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम भोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर जरूर से जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पटकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन जो और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचिया भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी, जो इनके समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडटेक डेवेज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को
व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता जो एक तेजा को 3 राज्य नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटो कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गाड़ियान को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिला और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पद्मा तेगाज द्वारा
मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई, जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं, जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही, जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईयंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही, जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया। जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था, जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियाम रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया, जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी, मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था, जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी, जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए, जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया, जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं और रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई, जो प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रीनो द्वारा उनका
तीसरा सहयोग रवि तेजा ने तीन फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं ब्लॉग द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया जो इन दृश्यों को रवि तेजा के चार फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती है जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी कीज द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम्भ शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच हिंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना मेनी द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छायाकान के डॉक्यूमेंट्रिक द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्योनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को
काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानश मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्दर्शन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपी के कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनन के बारे में देखी गई जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ ला कर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पडन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम बोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर जरूर से जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पाटकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचगा भोट द्वारा देखी गई है और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी जो इनकी समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पांस के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडट्रैक डेविज द्वारा तैयार किया गया जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को
तमालकोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहाँ के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं। और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई, जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है, जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है, जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता, जो एक तेजा को 3 राज नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 2015 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टा पेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मिस्टिकल के साथ, उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं, जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं, जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया, जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है, जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं, जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे, जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था, जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए, जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियान चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटों कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गाड़ियान को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे, जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिले और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पद्म तेगाज द्वारा
मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई, जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं, जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी, तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही, जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही, जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही, जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया। जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था, जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्दर्शन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियान रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया, जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी, मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था, जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी, जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए, जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया, जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई जो प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रीनो द्वारा उनका
तीसरा सहयोग रवि तेजा ने तीन फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ, चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डी द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं ब्लॉग द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया जो इन दृश्यों को रवि तेजा के चार फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी किस द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच हिंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना में द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इस कार्तिका ने छायाकान के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ
एक्यूनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानसी मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलिपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई। राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध, जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपी कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनिन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी, जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे, जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पड्डन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम भोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर जरूर से जरूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पटकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन जो और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचिया भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजा काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकान की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं वालों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी, जो इनके समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडटक डेवेज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को
दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है, जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय फिल्म अभिनेता है जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता जो एक तेजा को 3 राज्य नंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टापेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मास्यूटिकल के साथ उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं, जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं जो अपने पिता के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया, जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है, जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं, जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे, जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था, जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए, जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटो कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गाड़ियान को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे, जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन
रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिली और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुगाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपने कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका के फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईयंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्देशन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियाम रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसिएशन द्वारा राजमौली को
जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई जो प्रदर्शन को साबित कर दिया। और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था जो खतरनाक रूप से दुबई श्रेणु द्वारा उनका तीसरा सहयोग रवि तेजा ने तीन फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डीज द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलोंस द्वारा जारी कर दिया गया था। और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी, मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया जो इन दृश्यों को रवि तेजा के चार फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती है जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया। और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ चार फिल्में एयर द्वारा देखी गई जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी पांचवीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी कीज द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम्भ शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने तीन फिल्मों को टच चेंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना मेनीज द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को
तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इसका कार्तिका ने छायाकरण के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानस्ट मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई। राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपिक कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनिन के बारे में देखी गई, जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ ईगल फिल्म के बारे में, जो 2024 में आई मूवी जो भारतीय तेलुगु भाषा के साथ थिएटिकल फिल्म जो कार्तिक व पडन्ना नेनीस द्वारा लिखी गई और निर्देशन के साथ पीपुल मीडिया द्वारा फैक्ट्री के तहत वीटी विश्व प्रसाद द्वारा विवेक कुचियाम बोटर द्वारा निर्मित किया गया और इसमें काव्या थापर द्वारा अनुपम्पा परमेश्वर और नवदीप शेख के साथ रवि तेजा की भूमिका में देखी गई है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ईगल मूवी को आप कहाँ से बिल्कुल फुल HD में देख सकते हो, तो वीडियो पर ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो आज की वीडियो में ईगल मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्देशन कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा किया गया और इसका पाठकथा कार्तिक गट्टा मेनन और मनिक बाबू और करम है, जो कहानी कार्तिक गट्टा मेनन और इसका उत्पादन टीवी विश्व प्रसाद और विवेक कुचगा भोट द्वारा देखी गई है। और अभिनेता की बात करें तो रवि तेजार काव्या थापर जो अनुपम्पा परमेश्वर नवदीप के साथ देखी गई। छायाकरण की बात करें तो कार्तिक गट्टा मेनन ने काली प्लोटो में करम चावला के साथ देखी गई, जो संपादक कार्तिक गट्टा मेनन द्वारा देखा गया था और इनके संगीत को दावजात के साथ देखी गई। इसकी उत्पादन कंपनी पीपल मीडिया फैक्ट्री रही, जहां पर इस मूवी को UFC मूवीज द्वारा V4U पर जारी कर दिया और इस मूवी को 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया, जहां पर इस मूवी के रन टाइम 156 मिनट का था और यह मूवी भारत में तेलुगु भाषा के साथ लॉन्च कर दिया गया था। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ देखी गई तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे दिया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को समीक्षाओं बलों द्वारा जारी कर दिया गया तथा इनके कथनांक के बारे में देखी गई थी जो इनके समीक्षाओं के जरिए बताया गया था तथा इन्होंने अपने रिस्पॉन्स के साथ लाई गई समीक्षाओं को
काफ़ी अच्छे से बताया भी गया था। मूवी को दर्शकों आलोचकों द्वारा देखकर काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस रेटिंग दे दिया गया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 जून 2023 को की गई थी, जो बैकग्राउंड स्कोर ने साउंडट्रैक डेविज द्वारा तैयार किया गया, जो सिनेमेटोग्राफी को संपादक गट्टा मेनन ने खुद को संभाला गया। और ईगल के साथ 9 फरवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों पर रिलीज की गई। फिल्म को इसमें आलोचकों और दर्शकों द्वारा मिश्रित करते हैं। और फिल्म में सचदेव द्वारा वर्मा उर्फ ईगल के साथ कुख्यात पेशेवर द्वारा हत्या के साथ लाया गया और खुद को तमाल कोला द्वारा जारी कर दिया, जो एक कपास किसान के रूप में प्रसन्न करते हैं और वहां के सभी अवैध हथियार के लेन देन के रोक के बारे में बताया गया, जो अवैध हथियारों को व्यापार को ख़त्म करने के लिए मिशन पर जाते हैं। और निकी को एक पत्रकार जो सहदेव पर समाचार रिपोर्टों द्वारा लिखी गई, जिसके दुर्लभ कपास की विदेशी में ठोस मांगते हैं और समाचार रिपोर्ट के कारण रो एजेंटों द्वारा उसे पूछताछ की जाती है, जो सचदेव की पहचान के बारे में पता चलता है और वह सचदेव के अतिथि के बारे में जानने वाले भिन्न व्यक्तियों के साथ सहदेव के मकसद के पीछे कारण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं पर बात करें तो ढलान की, जो सहदेव वर्मा उर्फ ईगल के रूप में रवि तेजा है। बताया जाता है कि रवि तेजा जो भूपति राजू जो रविशंकर के नाम से प्रसिद्ध है, इनका जन्म 26 जनवरी 1968 को जो पेशेवर रूप से रवि तेजा के नाम से जाने जाते हैं, और भारतीय फिल्म अभिनेता है जो प्रमुख तेलुगु सिनेमा में काम करते और एक्शन कॉमेडी के साथ अपनी भूमिका को जाने जाने वाले। वह मास महाराजा द्वारा उपनाम लोकप्रियता के सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म अभिनेता, जो एक तेजा को 3 राजनंदी पुरस्कार द्वारा दक्षिण फिल्मेयर द्वारा जीता गया। उन्हें 2012 से 2013 से 15 के फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी की सूची में शामिल कर दिया। वहीं पर रवि तेजा का जन्म आंध्र प्रदेश के तत्वकालीन पूर्व गोदावरी जिले के गट्टा पेटी द्वारा हुआ था। उन्होंने पिता को भूपति राजू और राजगोपाल राजू को फार्मिस्टिकल के साथ, उनकी मां जो भूपति राजू को लक्ष्मी मेनन के गृहिणी, और रवि तेजा के 3 बेटों में सबसे बड़े हैं, जो अन्य भरत द्वारा रघु के साथ अभिनीत द्वारा करते हैं, जो अपने पिता के साथ काम करते हैं। और उन्होंने अपने अधिकांश के साथ बचपन व उत्तरी भारत में बिताया गया, जो उनकी स्कूली शिक्षा को जयपुर व दिल्ली में, भोपाल के साथ बचपन के सहित सिनेमा के प्रतिबंध आकर्षित है, जो अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं और घर में उनकी फिल्मों के साथ दृश्य को दोहराते हैं, जो बाद में परिवार के विजयवाड़ा चले गए, जो उन्होंने विजयवाड़ा को सिद्धार्थ डिग्री के साथ कॉलेज में कला स्थान के डिग्री को व तेलुगु के बारे में दान देने के परंपरागत अंग्रेजी में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर इसे 26 मई 2002 को रवि तेजा ने गोदावरी जिले के गप्पर द्वारा रहने वाले थे, जो कल्याण से शादी दंपति को एक बेटी मोक्ष का बेटा महासदन था, जो अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी करने के बाद फिल्मों को अपना करियर बनाने के लिए 1998 में मद्रास चले गए, जो मद्रास की शुरुआती वर्षों में वाकियन चौधरी को गुणशेखर द्वारा उनके रूममेटों कर्तव्य द्वारा अन्य कलेक्टर के साथ गार्डियन को आज के गुंडों के राज द्वारा फिल्मों को छोटी मोटी भूमिकाओं के साथ रवि तेजा के तेलुगु परियोजना के काम करते हैं। और उन्होंने प्रतिशोध की मुलाकात देखी गई थी मूवी वामसी द्वारा जारी कर दिया गया था, तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताए भी गए थे, जो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया था तथा इस मूवी को काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया, जो इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाई गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को
काफ़ी अच्छे से जारी कर दिया गया था तथा इनकी कथनांक के बारे में जारी करते हुए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ देखी गई तथा इसे प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन की मान्यता दृश्यों को तेजा कृष्णा की वामसी द्वारा निर्देशित और सिद्धुआज द्वारा सहायक भूमिका में अभिनय का मौका मिले और इस फिल्म को तेलुगु फ्यूचर फिल्म ड्रामा द्वारा पुरस्कार के बाद रवि तेजा सीताराम राजू को पदुवाइन तेगाज द्वारा मीनाक्षी के चुड़ूस द्वारा देखी गई जो कृष्णा रेड्डी के प्रोमो द्वारा वेलियान के साथ तैनाती कर देते हैं जो प्रमुख जीते के बारे में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सिविल द्वारा देखी गई थी तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से आयोजित कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में बताया गया तथा इस मूवी को अच्छे से रिस्पॉन्सों के जरिए जारी कर दिया गया जो इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया था तथा इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देखी गई थी। वहीं पर 2001 में रवि तेजा ने पूरी जगन्नाथ के साथ जुड़वा तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने रवि तेजा को इटूल श्रावणी सुब्रियाम की मुख्य भूमिका की फिल्म व्यावसायिक रूप से हिट रही जो अभिनेता के रूप में तेजा ने विश्वनाथी को मिली थी और 2002 में उनके साथ अगली अफगान द्वारा जारी कर दिया गया और उनकी अगली अनुवादित कल्याण को सभी अभिनेता द्वारा रिलीज कर दिया गया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल रही रवि तेजा की प्रशांता के साथ मिली और इसी वर्ष रवि तेजा ने ईयंटन में भी देखा गया। पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशन को रक्षिता की सह कलाकार या ब्लॉकबस्टर हिट रही जो रवि तेजा के प्रदर्शन और संवाद के अधीन आलोचना को देखने वालों के साथ सम्मान रूप से प्रसन्नताओं के जरिए जारी कर दिया गया और इसी वर्ष कृष्णा वामसी को खड़गम रिलीज के साथ फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही जो राष्ट्रीय एकता पर भी सरोजनी के साथ देवी पुरस्कार द्वारा जीता गया और एक युवा महाकांक्षी अभिनेता का किरदार भी निभाया गया जहां पर रवि की दूसरी फिल्म ने नंदी स्पेशल को पूरी पुरस्कार के साथ दिलाया गया और तेजा अम्मा को लाया गया था जहां पर तमिल अमिया के रूप में निर्देशन पुरी को जगन्नाथ के साथ आसियान रूप से बताई गई और जीवी के साथ उनके प्रशंसक ने रवि तेजा को अच्छे प्रदर्शन किए ताकि उनकी संवाद व अदाइन लापरवाह को व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों को काम किया जिसमें कल्याण अभिनेता को श्रीनिवास द्वारा भीम मेनन द्वारा निर्देशित और वीडियो को संग्राम के साथ अधिग्रहण कर दिया और इसे 2004 में रवि तेजा वेनलिया को देखे गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर प्रकाशन को जोड़ा गया था तथा इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को जारी कर दिया गया तथा इन्होंने अपने दृश्यों के साथ देखी गई तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं को अच्छे रिस्पॉन्सों के साथ देखी गई थी और इन्होंने अपनी दृश्यों को प्रकाशित कर लिया गया तथा इस मूवी को लाई गई श्रृंखलाओं के बारे में जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ बताया गया था जो चाटी के निर्देशन में शोभनाज द्वारा बात करते हैं तथा इन्होंने अपनी भूमिकाओं के साथ जारी कर दिया गया था। मूवी बहुत बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के जोड़ी के साथ लाया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं दृश्यों के साथ प्रकाशन की थी जो इन्होंने अपने दृश्य प्रकाशन के बारे में जारी कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी कथनांक दृष्टि को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्सों के जरिए देखे गए जो इनके साथ लगाया गया और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ भी बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ निराश प्रेमी को शानदार प्रदर्शन किया और 2005 में रवि तेजा को काम बायोपिक श्रीनो द्वारा निर्देशित व भद्रा व रसूल एरियन द्वारा निर्देशित भागीदारी को शामिल कर दिया जो हरीश शंकर के निर्देशन में राम गोपाल वर्मा को निर्मित अपराध शौक के साथ काम करते हैं। रवि तेजा विक्रम मेनी द्वारा निर्देशन एसोसिएशन द्वारा राजमौली को जारी कर दिया गया था तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखी गई जो
प्रदर्शन को साबित कर दिया और विक्रम मोडीज द्वारा पहली रवि तेजा ने अब्बास को सबसे अच्छे और आलथी साथी के साथ विक्रम राठौड़ के दौरान किरदार की सामान्य रूप से अच्छे निभाया और जीता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा शानदार था, जो खतरनाक रूप से दुबई श्रेणु द्वारा उनका तीसरा सहयोग रवि तेजा ने 3 फिल्मों को वीपी द्वारा विनायक कृष्णा को बाल कृष्ण के साथ चौथा सहयोग था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर जारी को उभरते हुए देखे गए तथा इन्होंने अपनी कथनांक के बारे में एक्शन दृश्यों को लाया गया जो समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर देते हैं। वहीं पर इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार और कॉमेडियन निर्देशन रेड्डी द्वारा काम किया गया और 30 से अधिक श्रृंखलाओं को जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही बेहतरीन थी और इस मूवी को काफ़ी अच्छे से आयोजित किया गया था, जहां पर इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के बारे में देखा भी गया था तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्यों को प्रकाशन के जोड़े के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई दृश्य के जरिए बताया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ लाकर इस दृश्यों को उजागर कर देते हैं तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलोंस द्वारा जारी कर दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही अच्छी थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे, जो इन्होंने अपने समीक्षाओं को लाकर प्रकाशित भी कर दिया गया तथा इन्होंने अपनी कथनांकों के साथ देखे गए थे और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हुए बताया गया, जो इन दृश्यों को रवि तेजा के 4 फिल्मों की पहली रिलीज और हरिशंकर के मेरा पाकर था, जो बाद में राम गोपाल वर्मा को डोगुआल मुथा ने अभिनय किया, जो कथा ऑन द स्क्रीन प्लेस दर्शकों को लाया गया और अपुआ राजू को खुद को बॉडी डबंग के रूप में छोटी सी भूमिका निभाई गई और वर्मा तेजा को निर्देशन ने इसी वर्ष के साथ उनकी आखिरी रिलीज भी रहती, जो बाद में फिल्म के साथ उनके सामूहिक एक्शन के साथ दृश्यों को मास के रूप में जारी कर दिया गया और इन्होंने रवि तेजा को गुणशेखर के निपुण और शिवा दारूस के साथ 4 फिल्में एयर द्वारा देखी गई जो अभिनय करते और फांसी कॉमेडियन के साथ जारी थी, जो इन्होंने अपने दृश्यों को पूरी 5वीं बार सहयोग के बाद पर सुनार को सोच चारूज द्वारा दिखाई देते और रेडी किस द्वारा रवि तेजा द्वारा देखा गया और अलग ही अवतार में छवि के साथ भूमिकाओं को लाया गया। बदनाम आवश्यकताओं को रवि तेजा के साथ काफ़ी करती है, जो रवि तेजा के मालिनी मेनन को एक्शन कॉमेडी द्वारा शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया, जो रवि तेजा के मनोरंजन प्रदर्शन के साथ कचिया परम शंकर के रूप में उनका चरित्र चित्रण फ्लैशबैक एपिसोड स्क्रीन बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। वह चरित्र त्वचा में घुस जाते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सबसे बड़े व्यवसाय के साथ लाया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए देखी गई तथा इस मूवी के एस रविंदर के साथ पावर अभिनेता थे, जो इनके बारे में बताया गया और एक साल विश्व द्वारा जारी और बाद में उन्होंने अनिल शर्मा के साथ रवि द्वारा देखी गई तथा इस मूवी को निर्देशित राजा द ग्रेट को 2017 के अंधे व्यक्ति के साथ निभाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ जारी कर दिया गया था तथा इस मूवी के साथ लाया गया और रवि तेजा ने 3 फिल्मों को टच हिंदी द्वारा नीला टिकट में अमर अकबर को एथोलॉजी के साथ बड़ी आलोचनात्मक व्यावसायिक असफल थी, जो 2020 में जारी कर दिया गया था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के जरिए देखे गए, जो वर्ष में तीसरा रिलीज था और उनके करियर के सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो 2023 में आयान के बाद वल्टिया वीरिया के साथ चिरंजीवी के साथ फिर से जुड़े पावर के बाद के एस रविंदर के साथ उनका दूसरा सहयोग था, जो इन्होंने अपने सहयोग और रवि तेजा को कार्तिक घटना मेनी द्वारा निर्देशित व आगमी इगियन ने अभिनय करके बताया गया तथा इस मूवी को फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पोगल के रिलीज की तैयारी यानी 12 जनवरी 2024 को तेलुगु सिनेमा को कल्याण के लिए ले जाया गया और डबिंग सिनेमा को स्थगित
कर दिया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और यह मूवी कार्तिक गोंडा द्वारा देखे गए और सिनेमा को इसका कार्तिका ने छाया। कान के डॉक्यूमेंट्री द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्योनिसिक टीजर द्वारा इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस पर स्थानांतरण करने लगे, जो कार्तिक ने निर्देशन के साथ बनने की समीक्षा थी। मूवी बहुत ज़्यादा शानदार था और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दिए गए थे जो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया गया था। वहीं पर मानस्ट मार्डी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलीपीन द्वारा लघु फिल्म को निर्देशन के साथ आलोचनात्मक फिल्म की फरहान को खातिर जैसी बताई गई। राष्ट्रियों को कार्तिक की मुलाकात संदिग्ध जिसे दोनों फ्यूचर के बारे में जारी थी। वहीं पर कार्तिक ने अपने ईगल के साथ काव्या थापर के बारे में जारी और प्रारंभिक थापर के साथ उन्होंने अपनी समीक्षाओं के बारे में देखी गई था। अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत में पतंजलि मैक्यू डीपी कोहिनूर सहित विज्ञापनों में दिखाई दी और उनकी तेलुगु फिल्म ने माया पेरीमिटी को 2018 के साथ रिलीज थी और यह फिल्म उनकी पहली तेलुगु फिल्म को 2019 में तमिल मार्केटिंग राजा के साथ अगली पिजाईकरण के बारे में देखी गई थी, जो कार्तिक ने गट्टा मेनन नवदीप के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपने समीक्षाओं के बारे में जारी करते और इन्होंने इसके साथ कार्तिक गुट्टा मेनिन के बारे में देखी गई जो इन्होंने अपने श्रृंखलाओं के साथ लाया गया और नवदितिया के बारे में देखी गई थी जो इस मूवी के साथ देखी गई और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बात करते हैं तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपने दृश्य श्रृंखलाओं के बारे में उजागर करते कथनांकों के साथ देखे गए थे जो इनकी श्रृंखलाओं के साथ बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के जरिए देखे गए तथा इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ लाया गया। वहीं पर इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ लाकर बताई गई तथा इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दिया गया और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करते कथनांक के बारे में बताया गया।